फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आग हमें लगभग 12:50 को हमको पता चला कि आग लगी है, उससे थोड़े पहले ही लगी होगी। वो उधर वेस्टेज था जो कि बारपिंग का और लूम खाते का जो वेस्टेज जमा करते, वो वेस्टेज वाले का गोडाउन था मेनली, वहाँ आग लगा। तो वहाँ से पीछे अपना कारखाना एक ही बाउंड्री है, तो अपने कारखाने में भी आग आ गई। अभी पता नहीं, देखा एक बार तो सब उठा उठा के फेंक दिया है। कुछ नहीं बोल सकते भैया, क्या वजह हो सकता है, शॉर्ट सर्किट ही एक वैलिड वजह लग सकता है, और क्या होगा। बंद है तो उसका तो ऐसे भी बंद ही था सुबह से, अभी चालू हुआ और 12:50 को हमको पता चला, जबकि ये कारखाना भी हमारा सब बंद हो गया। प्लास्टिक नहीं, उधर वेस्टेज प्लास्टिक का हो सकता है, वेस्टेज प्लास्टिक का था, वहां पर पॉलिस्टर का वेस्टेज था, कॉटन का वेस्टेज था। मोहित शकील अहमद जी, कब हुआ ये? अभी 12:30 बजे करीब हुआ जी। ये अपना गोडाउन था, कार्टन वेस्टेज स्क्रेप जो बोलते ना, वैसा माल था, पूरा गोडाउन था हमारा जी। कितने का माल था, क्या क्या रखा था? ये कम से कम 10 लाख के करीब माल था जी। और उसमें फुलका था, कॉटन था, हाँ सब कॉटन, कॉटन टोटल कॉटन था, पन्नी, फुलका, टुकड़ा, नॉर्मल ताके वगैरह जो आते हैं वो सब, पन्नी भी थी जी। हाँ, फायर ब्रिगेड पे 13:15 पर फोन आया कि दयाना शिवार में ऐसी ऐसी आग लगी है, प्लास्टिक कारखाना बताया कि आग लगी है। वैसे फौरन एक एक मिनट पर तो टोटल गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ हमारी निकल गई और फौरन हमने आग पे काबू पाया, और आजू बाजू के जो कारखाने फौरन ने कंट्रोल करके उसको बचाया गया। आग लगने की वजह उन्होंने तो ये बताया गया, शॉर्ट सर्किट से लगी ऐसा बताया है उन्होंने। हाँ लाइट बंद है, मगर ऐसा बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बताया उन्होंने, और कारण आगे मालूम नहीं कि किस चीज़ से आग लगी हुई है। मगर फायर ब्रिगेड ने फौरन अपने तरीके से पूरा काम किया, टोटल कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के टोटल ड्राइवर, फायरमैन, अधिकारी सब मिलकर यहाँ पर काम किए और फौरन आग पे काबू पा लिया गया। टोटल अभी तो 6 गाड़ियाँ लग चुकी है और गाड़ियाँ और बुझाने के लिए आ रही है, और ये वेस्टेज है, फुलका, कुकड़ी, ऐसे वेस्टेज पूरा इसके अंदर भरा था, और अंदर एक दिखे गई मोटरसाइकिल भी एक है, मोटरसाइकिल भी एक खड़ी हुई है, वो भी जली हुई है। और उसके अलावा अभी नुकसान क्या हुआ वो मालक से मालूम लेंगे पूरी तफसील से, तरासन है, जानी नुकसान नहीं हुआ है कुछ, सिर्फ ये वेस्टेज माल था, इसका नुकसान ज्यादा हुआ है।